लक्ष्मण वर्सेस बलदेव, लक्ष्मण वर्सेस बलदेव, बी ए एल डी ई ओ। इस केस में क्या था, इस केस में ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था बी को। आप जानते हो कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो इसका इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी गेट्स एंडेड, इसका इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में रहता है वो खत्म हो जाता है और जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी आता है, यानी प्रॉपर्टी का पोजीशन आता है, प्रॉपर्टी का टाइटल आता है, उसके पास चार राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास आती है उसके पास परफेक्ट टाइटल और कंप्लीट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आता है, राइट। लेकिन जो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता है इसमें जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो इमीडिएटली और कंप्लीटली नहीं आता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है। देखो, आप जानते हो कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है तो इसका इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी गेट्स एंडेड, इसका इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में रहता है वो खत्म हो जाता है और जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही उसके पास प्रॉपर्टी आता है, यानी प्रॉपर्टी का पोजीशन आता है, प्रॉपर्टी का टाइटल आता है, उसके पास चार राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाते हैं। राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड राइट टू डिस्ट्रॉय। ये सभी राइट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था, राइट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, यानी हमने जाना कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास तो इसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी में, यानी ट्रांसफरी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा प्रॉपर्टी में। लेकिन सपोज ट्रांसफर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक कंडीशन इंपोज कर दिया। कंडीशन क्या था, ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी बाय पुटिंग अ कंडीशन दैट यू विल गेट enjoyment of this property after my death only, कि तुमको जो property का enjoyment है, जो right of enjoyment है, वो तभी मिलेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। यानी आप देखो कि जैसे ही property transfer हो रहा है, transferer से transferee के पास transferee का interest create हो जा रहा है, लेकिन जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जा रहा है, इट गेट्स पोस्टपोन्ड। दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट में सिंपल जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जाता है। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट को। आई होप कि जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज ए ने गिफ्ट दिया
10,000 रुपीज के वैल्यू का कोई गिफ्ट दिया मिस्टर बी को। ए ने 10,000 रुपीज के वैल्यू का एक गिफ्ट दिया मिस्टर बी को और एक कंडीशन डाला कि आप इस गिफ्ट को मिस्टर सी को ट्रांसफर करोगे, यानी ये जो 10,000 रुपए के वैल्यू का गिफ्ट है वो सी को ट्रांसफर होगा। कब ट्रांसफर होगा? जब ए एक्सपायर हो जाएगा, यानी आफ्टर डेथ ऑफ ए गिफ्ट विल गेट ट्रांसफर्ड टू सी। नाउ अब देखो, जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो जो सी का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो क्रिएट हो जा रहा है, लेकिन सी को राइट ऑफ एंजॉयमेंट कब मिलेगा? ए के डेथ होने के बाद, यानी राइट ऑफ एंजॉयमेंट गेट्स पोस्टपोन्ड। दिस इज कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कंडीशन होगा ट्रांसफर के द्वारा, जो भी कंडीशन इंपोज किया जाएगा, इट मस्ट बी सर्टेन एंड स्पेसिफाइड। वो सर्टेन होना चाहिए, क्लियर, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी जिसके हैपन होने का 100% चांसेस हो। राइट, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसे हम सेक्शन 21 में समझेंगे। क्लियर, ओके। अब एक केस है, एक केस आप चाहो तो देख सकते हो, वेस्टेड इंटरेस्ट का केस है, लक्ष्मण वर्सेस बलदेव। लक्ष्मण वर्सेस बलदेव, BALDEO। इस केस में क्या था? इस केस में ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था बी को, एक कंडीशन इंपोज करते हुए कि बी इस प्रॉपर्टी को तभी एंजॉय कर पाएगा जब ए विल डाई, जब ए की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट का केस था। और अब देखो, अब जैसे ही जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसफरी का जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है और ट्रांसफरी के पास सभी चार राइट्स आते हैं, राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, राइट टू डिस्पोज ऑफ एंड राइट टू डिस्ट्रॉय। यानी आप कह सकते हो इन वेस्टेड इंटरेस्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी इज क्रिएटेड व्हेन ही गेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑलराइट, चलो अब वेस्टेड इंटरेस्ट के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या तीन एसेंशियल कंडीशंस हैं। क्या क्या है? पहला, डेट ऑफ एंजॉयमेंट मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। वेस्टेड इंटरेस्ट में जो एंजॉयमेंट का डेट है वो ट्रांसफरर द्वारा मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर। दूसरा, कंडीशन मस्ट बी सर्टेन, जो कंडीशन है वो सर्टेन होगा। तीसरा क्या है, मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट फॉर प्रेजेंट और इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर एंजॉयमेंट। यानी ये कह रहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इट मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट, इसे हम प्रेजेंट में क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंट एंजॉयमेंट के लिए, या इसे हम प्रेजेंट में क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर एंजॉयमेंट के लिए, यानी फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी के राइट्स ऑफ एंजॉयमेंट को लोगे। प्रेजेंट एंजॉयमेंट मींस व्हाट? इमीडिएटली आप इसे एंजॉय कर सकते हो। क्लियर, ओके। तो आई होप कि वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए
अब हम बेयर में कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन किया गया है उसे सिंप्लीफाइड करके यहां पे लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कहता है देखो, कह रहा है वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय जब एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है इन फेवर ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के फेवर में। अब यहां पे तीन बातें कही गई, पहला विदाउट मेंशनिंग द टाइम टू टेक इफेक्ट, यानी हमने इसमें डेट मेंशन नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है कि कब ये प्रभावी होगा, ऑलराइट, यानी कब आप प्रॉपर्टी के राइट ऑफ एंजॉयमेंट को ले सकोगे। दूसरा मेंशनिंग इट इज टू टेक इफेक्ट इमीडिएटली, या मान लो हमने मेंशन कर दिया है कि इमीडिएटली आप राइट ऑफ एंजॉयमेंट के हकदार होंगे और आप प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकोगे। या तीसरा और ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, एक सर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद ही आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें तीन बातें कहेंगे, एक तो चीज आपको टाइम मेंशन कर देगा किस टाइम के बाद ही आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा, या इमीडिएटली आ सकता है, या किसी सर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट के हैपन होने के बाद आपके पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट आएगा। आई होप कि इस छोटे से वीडियो में वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है विद एग्जांपल्स, विद केस लॉज और बेयर प्रोविजंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। कॉन्टिंजेंट का मतलब है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। और देखो अभी हमने सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को पढ़ा जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट में हमने ये समझा कि जो कंडीशन होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, राइट, जबकि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट अनसर्टेन इवेंट के बारे में बात करता है। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट को समझे तो हम ये कह सकते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का क्रिएशन दो कंडीशन में हो सकता है। अब क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है तो या तो अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद या अनसर्टेन इवेंट के हैपन नहीं होने के बाद, यानी कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इधर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ऑलराइट, अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं बेयर हमारा क्या कहता है। बेयर कहता है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है विच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन के फेवर में क्रिएट होता है, टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन, और वो इफेक्ट में कब आएगा। इसमें पहला कहता है इधर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के हैपन होने के बाद ये इफेक्ट में आएगा, या नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, किसी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट के नॉन हैपनिंग के बाद ये इफेक्ट में आएगा। अब अगर मान लो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गया तो ये जो आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। और दूसरे सिचुएशन में अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन नहीं हुआ तो भी ये जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
वेस्टेड इंटरेस्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए एक पर्सन है, ठीक है, इसने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा यदि जो हमारा इंडिया है वो आने वाले वर्ल्ड कप मैच में जीत जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ए ने ये कंडीशन इंपोज किया, बी का जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो गया और ये टोटली बेस्ड है अनसर्टेन इवेंट पे, क्योंकि इंडिया मैच जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती है, क्लियर, ओके। लेकिन अब कंडीशन क्या था, कंडीशन था अगर इंडिया मैच जीतती है तो ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अब मान लो इंडिया मैच जीत जाता है तो बी का जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, ऑलराइट, ओके। अब एक और सिचुएशन हम लेते हैं, मान लो ए ने बी से ये शर्त लगाया कि अगर आने वाले एक घंटे के बीच में, आने वाले एक घंटे के अंदर अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे। और मान लो आने वाले एक घंटे के अंदर अंदर बारिश नहीं हुई, ऑन द हैपनिंग ऑफ और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट, बारिश हुई ही नहीं, तो बी क्या है, बी इज बाउंड टू गिव 1,000 रुपीज टू ए। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जो ए का कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट था क्योंकि वो बेस था ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, ओके। आई होप ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट कब वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो, ऑलराइट। देखो पहला कह रहा है वेयर कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो मान लो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या था, वो बेस्ड था ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट और वो इवेंट हैपन हो जा रहा है तब कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में। दूसरा वेयर कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट तो ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में बात किया। तीसरा वेयर क्रिएशन ऑफ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, जहां पे जो क्रिएशन ऑफ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ टू ऑप्शनल कंडीशन। देखो कह रहा है कि जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का क्रिएशन है वो दो ऑप्शनल कंडीशन पे बेस्ड है कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। वेयर क्रिएशन ऑफ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ टू ऑप्शनल कंडीशंस और हैपनिंग ऑफ आइदर ऑफ द कंडीशंस, तो दोनों में से अगर कोई एक हो गया तो भी जो कॉन्टिंजेंट है इट विल कन्वर्ट इट इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, राइट। तो ये था पूरा आपका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, यानी कहने की बात ये है कि एक तरफ जहां वेस्टेड इंटरेस्ट स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट पे बेस्ड है वहीं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, राइट। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, देखो कह रहा है वेयर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। अब इसमें कह रहा है कि मान लो एक जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे पर्सन को
ट्रांसफर किया जा रहा है, और कंडीशन यह है कि जब वो एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेगा तभी ये प्रॉपर्टी उसे जाएगी। अब ये पर्टिकुलर एज कुछ भी हो सकता है, 20, 21, 25, तो यानी एक पर्टिकुलर एज अटेन होने के बाद ही ट्रांसफरी के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा, और जब तक वो उस पर्टिकुलर एज को अटेन नहीं कर देता है तब तक इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम राइज होगा वो उसके बेनिफिट के लिए यूज होगा, या ट्रांसफरी के पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी से जनरेट किए गए सभी इनकम को अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा। अपने उस पर्टिकुलर एज को अटेन करने से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि जब वो अटेन कर लेगा प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, पोजीशन उसके पास आएगा, ओनरशिप उसके पास आएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी कंडीशन वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएंगे, ना कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। यानी सिंपल वर्ड्स में इसका एक्सेप्शन यही है कि जब प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर एज के बाद ट्रांसफर की जाती है और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होता है ट्रांसफरर उन सभी इनकम को ट्रांसफरिंग को देता है उसके बेनिफिट के लिए, जब तक वो उस पर्टिकुलर एज को अटेन नहीं कर लेता है, और साथ ही साथ ट्रांसफरी के पास पूरा राइट्स होता है कि बिफोर अटेनिंग द पर्टिकुलर एज उसके पास पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी से जनरेट किए गए सभी इनकम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे सभी सिचुएशंस क्या होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के कैटेगरी में आएंगे, ना कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। ऑलराइट, ओके। तो आई होप कि अगर एग्जाम में कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट आता है तो आप इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। तो इस छोटे से वीडियो में आई होप कि आपको कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। आज के इस वीडियो में हम कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने जाना है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्या है और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है विद नोट्स, एग्जांपल्स, केस लॉज। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले उन वीडियोस को जाकर के देख लो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो देखो, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली क्रिएट होता है जस्ट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट इमीडिएटली क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ये डिपेंड करता है अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। क्लियर, ओके। अब देखो, वेस्टेड इंटरेस्ट कंप्लीट और परफेक्ट टाइटल होल्ड करता है इमीडिएटली, यानी जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास आती है उसके पास परफेक्ट टाइटल और कंप्लीट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आता है। राइट, लेकिन जो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता है इसमें जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो इमीडिएटली और कंप्लीटली नहीं आता है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। क्लियर, ओके। तीसरा क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट विच मे बी क्रिएटेड इन प्रेजेंट फॉर प्रेजेंट बेनिफिट और इन प्रेजेंट फॉर फ्यूचर बेनिफिट। यहां पे कह रहा है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इसमें जो कंडीशन इंपोज किया जाता है ट्रांसफर के द्वारा वो स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशन होता है, जो कि प्रेजेंट में क्रिएट किया जा सकता है प्रेजेंट बेनिफिट के लिए, यानी इमीडिएट
एंजॉयमेंट आप इस प्रॉपर्टी का ले सकते हो, क्या इसे प्रेजेंट में क्रिएट किया जा सकता है फ्यूचर बेनिफिट के लिए, ऑलराइट। जबकि आप देखो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट, क्लियर। सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद वेस्टेड इंटरेस्ट, वेयर एज सेक्शन 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। लास्ट क्या है, इफ ट्रांसफरी विद वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी ऐसा ट्रांसफरी जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में, तो वो उसके मरने के बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायर्स को चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर होता है ट्रांसफरी के पास विदाउट एनी फर्दर कंडीशन और क्लॉज। यहां पे क्या है कि जो ट्रांसफरी है जिसका कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस प्रॉपर्टी में, वो अपने लीगल हायर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकती है अपने मरने के बाद। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। आई होप कि अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। With this hope, thank you so much. Have a bright future.